Good morning, students. I am math teacher, Lakhan Kumar. Today we have to discuss multiplication of decimal numbers. Now, the question is that how we can multiply two decimal numbers, and what logic behind it. For example, if you want to purchase 1.5 kg vegetables at the rate of eight point fifty per kg means one point five kg vegetables vegetables you want to you want to purchase at the rate of eight point fifty per kg then you have टू कैल्कुलेट द टोटल रेट ऑफ वन पॉइंट फाइव के जी अब ये आप कैसे कर सकते हैं बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन पॉइंट फाइव एंड एट पॉइंट फाइव जीरो एंड यू कैन गेन द आंसर ओके नाउ वी हैव टू टेक सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसीमल नंबर्स दैट इज जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट वन हम ये देखना चाहते हैं कि डेसीमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के पीछे क्या लॉजिक होता है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेसिमल डिसाइड करता है कि उसका डिनोमिनेटर कौन होगा ठीक है इट मीन्स इफ यू वॉन्ट टू चेंज पॉइंट वन इंटू अ फ्रैक्शन देन इट इज वन अपॉन टेन अब ये कैसे आया कि डेसिमल जो था वो हमारा वन डिजिट लेफ्ट साइड पे था तो इट मीन्स जैसे ही आप डेसिमल को हटाओगे तो अपॉन में एक डिनोमिनेटर आएगा जो कि क्या होगा टेन अगर ये टू डिजिट्स होती डेसिमल के बाद तो ये आता हंड्रेड अगर थ्री डिजिट्स होती तो ये होगा थाउजेंड ओके नाउ द पॉइंट वन इज अगेन वन अपॉन टेन ओके नाउ द व्हाट इज द आंसर व्हाट इज द आंसर बिहाइंड इट वन अपॉन टेन एंड वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई विद न्यूमिनेटर दैट इज वन मल्टीप्लाई विद इज इक्वस टू वन एंड टेन मल्टीप्लाई विद टेन इज इक्व हंड्रेड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए अब वही जो हमने पहले सीखा था कि वन अपॉन हंड्रेड करना है तो हमारे पास क्या लॉजिक होगा कि हम इसको किस तरीके से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर हंड्रेड है तो टू जीरोज है तो हमारा डेसिमल भी ऊपर वाले न्यूमिनेटर में टू डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे ही होगा तो वन तो है बट इसके पास और कोई डिजिट नहीं है जिसके पास और कोई डिजिट नहीं होती वहां हम जीरो पुट कर सकते हैं तो डेसिमल यहां आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन दैट इज योर आंसर अब ये एक ग्राफिकल मेथड से देखना चाहे कि ये मल्टीप्लीकेशन कैसे हुआ तो वो भी हम कर सकते हैं देखो ये जो मीनिंग है वन अपॉन टेन मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन का मतलब क्या है वन अपॉइंट टेन का भी वन अपॉइंट टेन यानी वन का टेंथ पार्ट अगेन जो भी आंसर आएगा उसका भी टेंथ पार्ट ओके तो पहले वन अपॉइंट टेन लेंगे तो वन अपॉइंट टेन इट मींस वन पार्ट आउट ऑफ टेन वन अपॉइंट टेन का मीनिंग हो गया वन पार्ट आउट ऑफ टेन वन पार्ट आउट ऑफ टेन ओके तो इसके लिए ग्राफ बना लेता हूं ठीक है तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है अगर इसको मैं टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दू जो कि क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया जैसे ही मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसका मैंने क्या बोला वन पार्ट आउट ऑफ टेन यानी ये वाला हिस्सा ये जो हमारा होगा वन पार्ट आउट ऑफ टेन अब इसका भी यानी ये जो वन पार्ट आया है वन अपॉन टेन इसका भी हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन का मतलब ये हो गया कि वन पार्ट आउट ऑफ वन बाय टेन तो वन बाय टेन तो ये हो गया इसका वन पार्ट क्या होगा फिर हम क्या करेंगे इसको टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ओके okay. तो इसका मतलब इसको भी हमने टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गया अब हमने क्या करना है कि इसमें से यानी वन अपॉन टेन तो ये पूरा रेक्टेंगल था अब इसमें से वन पार्ट लेना है तो वन पार्ट मतलब ये ओनली ये पार्ट तो ये जो पार्ट होगा दैट इज योर आंसर तो इसका मतलब वन बाय टेन का वन बाय टेन पार्ट दैट इज योर जीरो 1 by 10 का, आउट ऑफ हंड्रेड तो ये आप काउंट कर सकते हैं ये सभी जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, ये कितने हंड्रेड और इन हंड्रेड बॉक्सेस में से ये क्या है एक बॉक्स है तो ये आपका आंसर होगा तो यू कैन राइट दिस एज डेसिमल ये दो जीरोज हैं तो यहां पर भी हम टू जीरो टू डिजिट्स के बाद डेसिमल को यूज कर लेंगे वन टू के बाद हमारा लेफ्ट साइड पे डेसिमल हो गया ये जीरो हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है इसका नेक्स्ट वन अब हमने अगर इसी तरीके से कोई और सिंपल मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जाम्पल जीरो प्वाइंट टू मल्टीप्लाई जीरो प्वाइंट थ्री अगर हम ये करना चाहते हैं तो, तो अब हम क्या करेंगे तो ये भी सिंपल है देखो सिंपल मल्टीप्लाई तो ये होगा टू बाय टेन आपको बताया अभी मैंने बताया था कि डेसिमल वन डिजिट के बाद है तो टेन आ जाएगा टू डिजिट के बाद है तो क्या आ जाएगा हंड्रेड और डेसिमल के बाद थ्री डिजिट है तो thousand. तो तो ये भी हो गया तो नुमिनेटर को नुमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो टू थ्री जा सिक्स एंड टेन टेन जा हंड्रेड ओके okay, तो सिक्स अपॉन हंड्रेड डिजिट टू वही जीरो टू जीरो है तो यहां पर भी टू डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल के बाद तो डेसिमल आ गया वन डिजिट तो है लेकिन एक और डिजिट चाहिए तो इससे पहले हम क्या यूज कर सकते हैं जीरो तो वन टू और उसके बाद हमने डेसिमल को यूज कर लिया दैट इज योर आंसर ओके अब हम इसको भी सेम मेथड से वो जो हमने रेक्टेंगल का मेथड यूज किया था उससे करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं कैसे करेंगे देखना आप ध्यान से थोड़ा सा कि सबसे पहले हमने हमारे पास है टू अपॉन टेन यानी टू अपॉन टेन का मीनिंग क्या हुआ टू पार्ट आउट ऑफ टेन ओके तो वैसे ही हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया उस रेक्टेंगल को मैंने क्या करना है टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इक्वल पार्ट्स हो गए अब हमारे पास क्या हुआ कि टू पार्ट आउट ऑफ टेन यानी जो टेन पार्ट है इसमें से टू हमने लेने हैं तो one part तो पार्ट पार्ट ये ये हो गया, and two part ये हो गया गया एंड क्लियर अब हमने क्या करना है <coughs> इसका थ्री बाय टेन करना है यानी टू बाय टेन का थ्री बाय टेन यानी टू बाय टेन मल्टीप्लाई विथ थ्री बाय टेन इसका मतलब ये हो गया थ्री पार्ट ऑफ आउट ऑफ टू बाय टेन हो गया तो हम कर लेते हैं सिंपली देखो कैसे होगा तो टू बाय टेन का यानी टू बाय टेन तो ये आ गया ये जो दो रेक्टेंगल हमने सेडिट किए हैं वो आ गए अब इसकी भी थ्री पार्ट तो थ्री पार्ट किस कितने में से टेन में से क्योंकि टेन आ रहा है नीचे तो हम इसको टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड टेन ये नीचे वाला टेन हो गया अब हमारे पास जो ये शेडिड आ रहे हैं ये सभी कितने इसमें भी टेन पार्ट्स हैं और इसमें भी टेन पार्ट्स हैं बट हमने कितने चाहिए इन दोनों में थ्री थ्री पार्ट चाहिए ये लिखा हुआ तो वन टू थ्री तो ये भी थ्री पार्ट वन टू एंड थ्री ये आ गया और ये भी थ्री पार्ट वन टू एंड थ्री टोटल कितने पार्ट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड तो यही तो मैंने निकला है सिक्स पार्ट आउट ऑफ हंड्रेड तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया इस तरीके से हम डेसिमल के मल्टीप्लाई को समझ सकते हैं ओके एनी डाउट एनी डाउट स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स अब देखो बेसिक रीड करना है हमने तो 0.2 मल्टीप्लाई विथ 0.3 अगर हमने इसको रीड करना है तो सिंपल आपने क्या करना है ये तो इसको लॉजिक था अभी तक समझने का कि डेसिमल का मल्टीप्लाई किस लॉजिक पे बेस होता है अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई जो हमने ट्रिक याद रखनी है वो चीज सोच लो टू जा सिक्स हमारे सिंपल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू जा सिक्स ओके अब हमारे पास जो भी चीज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर है एक डिजिट के एक नंबर के पास नहीं टोटल कितने डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल तो एक इसके पास है और एक इसके पास है तो टोटल कितने टू वन प्लस वन टू तो टू हो जाएंगे देख लो इसके पास डेसिमल के बाद कितने नंबर इसके पास डेसिमल के बाद कितने नंबर वन प्लस वन टोटल कितने डिजिट्स हो गए टू डिजिट आफ्टर डेसिमल आफ्टर डेसिमल क्लियर तो आंसर में भी हमारा जो आया है जो हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया था उसमें भी टू डिजिट होने चाहिए आफ्टर डेसिमल तो वन डिजिट तो है एक और नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे इससे पहले जीरो तो पॉइंट यहां लगा देंगे दैट इज जीरो तो ये अपना आंसर हो जाएगा डायरेक्टली वी कैन गेन द आंसर क्लियर अब इसी तरीके से हम कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई विद जीरो पॉइंट थ्री अगर ये करना है तो ट्वेल्व एंड थ्री ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स ओके अब हमारे पास देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वन एंड वन टोटल कितने हो गए टू टू डिजिट्स आफ्टर डेसिमल तो वन टू टू डिजिट्स बन रहे हैं तो यहां पर डेसिमल पुट कर दो दैट इज योर आंसर क्लियर इसी तरीके से हम कोई और मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे ट्वेंटी पॉइंट टू मल्टीप्लाई विद जीरो पॉइंट फोर ओके तो हम सबसे पहले देखेंगे यहां पर टू हंड्रेड टू है अगर हम डेसिमल को छोड़ दें तो यहां पर फोर है तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू हंड्रेड टू मल्टीप्लाई विद फोर

जीरो पॉइंट फाइव इसको हमने करना है तो सिंपल मल्टीप्लाई टू हंड्रेड थर्टीन मल्टीप्लाई विद्रेड थर्टीन मल्टीप्लाई विद्री जा टेन तो ये हमारा आंसर हो गया सिक्स फाइव क्लियर अब टोटल कितने डिजिट से डेसिमिल के बाद वन टू तो टोटल टू हो गए तो यहाँ पर टू छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे क्लियर अगर यही हमारे पास होता है टू पॉइंट वन थ्री मल्टीप्लाई विद जीरो पॉइंट फाइव इज इक्व टू टेन सिक्स फाइव मतलब हमारे पास सेम देखो डिजिट्स का तो सेम मल्टीप्लाई होगा अब आफ्टर डेसिमल कितने हैं डिजिट्स वन वन टू टोटल कितने होंगे थ्री तो वन टू एंड थ्री थ्री के बाद हम डिजिट को डेसिमल को पुट कर देंगे दैट्स योर आंसर क्लियर इस तरीके से हम कर सकते हैं अब सिंपल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल नंबर विद टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड तो हमने डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड से तो इसका मतलब क्या होता है वो देखो बिल्कुल सिंपल सा है जैसे मान लो वन पॉइंट सेवन सिक्स है हमारे पास इफ यू वॉन्ट टू मल्टीप्लाई दिस डेसीमल नंबर बाय टेन तो हमारे पास आंसर क्या होगा तो आपने कुछ नहीं करना है नंबर सेम रहेगा वन सेवन सिक्स देखो मैं बता रहा हूँ ओनली टेन हंड्रेड और थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा तो वही मेथड तो सेम है देखो सिंपल क्या होता है वन सेवन, सेवन सिक्स मल्टीप्लाई विथ टेन ठीक है हम डेसिमल को एक बार भूल जाते हैं तो हमारे पास ये आ गया तो ये आ जाएगा सेवन सिक्सटी ये आ गया आंसर सेवन हं, सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी ओके तो अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है जीरो इसके बाद कितने इसके पास कितने है? टू तो टोटल कितने हो गए टू टू आफ्टर डेसिमल तो वन टू टू डिजिट्स के बाद हमारे पास डेसिमल आ जाएगा क्लियर ये आंसर हो गया डायरेक्टली अगर करना है टेन से मल्टीप्लाई तो आप क्या करो जब भी हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास वन जीरो है तो डेसिमल जो होगा वो राइट साइड पे वन प्लेस क्या हो जाएगा शिफ्ट ओके यानी देखो आपको पता है कि टेन मल्टीप्लाई करना है तो नंबर जो है वो टेन मल्टीप्लाई यानी टाइम्स बड़ा हो जाएगा बिगर हो जाएगा इस नंबर के कंपेरिजन के में टेन टाइम्स बिगर हो जाएगा इट मीन हमने डेसिमल को राइट right साइड पे डिस्प्लेस करना है अगर लेफ्ट साइड पे करोगे तो जीरो पॉइंट समथिंग हो जाएगा राइट right साइड पे करोगे तो सेवनटीन पॉइंट समथिंग या वन सेवेंटी सिक्स पॉइंट समथिंग होगा बट यहां पर वन जीरो है तो हमने डेसिमल को वन प्लेस ही डिस्प्लेस करना है राइट right साइड पे तो सेवनटीन पॉइंट सिक्स इसी तरीके से अगर हमारे पास होता टू पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई विथ टेन तो हमारा आंसर होता है ट्वेंटी सिक्स क्लियर इसी तरीके से अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया मल्टीप्लाई विथ हंड्रेड तो यहाँ पर टू जीरो जो है तो डेसिमल भी टू जी प्लेसेस क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा इसी तरीके से हमारे पास अगर होता थाउजेंड से मल्टीप्लाई तो हम क्या करते डेसिमल को थ्री प्लेसेस को डिस्प्लेस कर देते हैं. तो टू प्लेसेस तो हमारे पास है वन टू बट एक और प्लेस नहीं है तो हम अपनी तरफ से क्या ऐड कर देंगे जीरो तो दैट्स योर आंसर ओके इसके बाद आप डेसिमल लगा सकते हो बट उसका कोई मीनिंग नहीं है क्लियर क्योंकि उसके बाद कोई डिजिट नहीं है ओके okay? तो स्टूडेंट्स आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज मेटीरियल्स जो भी अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में समझा है ओके कीप एक्सरसाइज योर क्वेश्चन कीप प्रैक्टिस विद योर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट सिक्स इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी ओके थैंक यू